जम्मू कश्मीर के हालात कैसे हैं, वैसे जैसे सरकार बता रही है या फिर जमीनी हकीकत कुछ और है? कश्मीर के लोगों के बीच वहां के हालात को जानने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक टीम 6 से 13 तारीख तक कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में थी। जॉन द्रे, कविता कृष्णन, विमल भाई और मैमुना मोहल्ला की टीम ने न सिर्फ श्रीनगर बल्कि कश्मीर के दूर दराज के हिस्सों में लोगों से बातचीत कर एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बनाई है। इस टीम का कहना है कि हालात बिल्कुल वैसे नहीं है जैसे बताए जा रहे हैं। लोगों में डर है, ज्यादातर लोग ईद की नमाज से भी दूर रहे। They've been picked up from their homes in the middle of the night, picked up from the roads, just like that. They're not stone pelters. They're not stone pelting. They have just been picked up and simply kept in police stations or army camps where they're being beaten up. And there is no way, because there is no case, their parents are scared because they fear the history of disappearances in Kashmir is very real. Unka gussa is baat par to tha ke 370 ko abrogate kiya gaya. 35A को एब्रोगेट किया गया, लेकिन इस बात पर भी था कि कश्मीरियों को कंसल्ट नहीं किया गया, उनसे नहीं पूछा गया कि आपको क्या चाहिए। इन सामाजिक कार्यकर्ताओं के मुताबिक इस इलाके में सेना की बहुत भारी मौजूदगी और कर्फ्यू ने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को बहुत मुश्किल बना दिया है। ये टीम वहाँ के लोगों की तस्वीरें और वीडियो भी शूट करके लाई है, लेकिन प्रेस क्लब में उन्हें ये सब दिखाने की इजाजत नहीं दी गई। द फैक्ट दैट दिस फिल्म कैन नॉट बी शोन टुडे हियर बिकॉज परमिशन टू शो इट हैज बीन रिफ्यूज्ड इज अ ट्रेजेडी बिकॉज इफ दिस सिंपल फिल्म कन्वेइंग द वॉइसेस ऑफ ऑर्डिनरी कश्मीरीज कैन नॉट बी शोन इन द प्रेस क्लब ऑफ इंडिया वेयर विल इट बी शोन। इस टीम में मौजूद सभी कार्यकर्ताओं ने माना कि फैसले के बाद घाटी में गुस्से और गम का माहौल है। कश्मीरियों ने इन सामाजिक कार्यकर्ताओं को बताया कि हमारा भारत के साथ कोई भी लड़ाई नहीं है, हम भारत में खुद रहना चाहते हैं। राजा हरि सिंह भारत में नहीं चाहते थे, लेकिन कश्मीरियों ने एक मंगलसूत्र का रिश्ता आर्टिकल 370 के रूप में बनाया और भारत के साथ अपना विलय किया। इनकी लड़ाई सिर्फ कश्मीरियत को लेकर है, कल भी कश्मीरियत को लेकर थी और कल भी कश्मीरियत को लेकर रहेगी। कैमरामैन विजेंद्र शर्मा के साथ इमरान खान, स्वराज एक्सप्रेस, दिल्ली।